सी हरिहरिमान एम सी हरिहरिमान का लिस्ट आया नहीं है, एम सी हरिहरिमान टीम मैनेजमेंट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी यहाँ पर एक कॉपी में प्लेयर लिस्ट यहाँ पर जमा करें। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी यूनियंस का चांद फिर फुटबॉल स्टेडियम द्वारा पढ़ाए गए आलू कटा हुआ
बना चाहे तो आईएसएल रहे जमशेदपुर एफसी का राइटर हम कहां तो बनाए और अभी बढ़िया खेल चला करना भी तो बजाने बाग रहे टीम वगैरह को बाजू करा लेकिन एक से एक खिलाड़ी मेरा वहां बजाने बाग से पॉइंट नीचे का सामना करा खिलाड़ी ना कभी बनवा लेकिन परफॉर्मेंस के बाद बना लेकिन नहीं धरी और अपन चले का बहुत बड़ा मौका है ओपन बना और गोल बना यानी खिलाड़ी अच्छा उठ के लगा बना है चंपू अजिंक हुई लेकिन चंपू सिर्फ बंदे के लिए बना है मुझे लगा चंपू बड़ा पीछे करा हुआ है पर हमारे बचा अभी बढ़िया बना बॉल का नहीं एफसी बजाने बाद बजाने बजाने बाद से पिच ओपन है बैक पास का खेला सही बात लेकिन जितना अड्डी टीवी शूटिंग है लगा इधर बाय है यह बोलने के बाद बार बार नहीं है और रॉन्ग अभी निकला हुआ है छुट्टी का ठीक है नीचे में क्रैक है दीवार अगर उस पर आप लोग बैठ जाइएगा बैठने का जगह अभाव नहीं है बड़ा थोड़ा स्टेडियम का चार घर स्टेडियम लाइनिंग टेबल से लाल वो का ही था कि किसका था यहाँ नहीं अपने हाथ में लाइनिंग टेबल दिया गया है इसलिए इक्की को जीतने आए श्री लाल गुरु ने अच्छा फुटबॉल चलते में जिस गति में खेल रहे हैं रन कितना बेहतर बनाते हैं हर प्रकार का स्किल से परिपूर्ण जीतन गुरु आए हैं सेंटर फोर के पीछे सबसे और क्या कर सकता है और क्या फर्स्ट टाइम शॉट होगा लेकिन इतना खिला शॉट से यहाँ पर नहीं होगा नहीं होंगे और एक सेकंड कलेक्शन करते हुए मनन नारंडी का क्लियरेंस लेकिन इस मैच के निर्णय इसी के साथ यहाँ पर पड़ेगा हर तहलीज को पार कर कर मात्र एक तहलीज में आकर अटक जा रही है सरद शिकारी गुड्डा की टीम तैयार हजारीबाग के बैक डिफेंडर बढ़िया हिट किया है लेफ्ट एरिया में गेंद गिराया है वहां खिलाड़ी तैयार हेड के बल से लिया है गेंद लेकिन बॉल को निकाला है आज चीते की रफ्तार से बॉल को लेना भी चाह रहे हैं लाने के प्रयत्न भी किया जा रहा है और यहां पर हिट किया है दक्षिण टचलाइन की मार्का पर और उस दिशा में बॉल खेला है जहां सिमन फुटबॉल यूट्यूब चैनल कवरेज कर रहे हैं इस प्रतियोगिता में उनका भी बहुत बड़ा योगदान है सिमन फुटबॉल यूट्यूब चैनल का जिन्होंने हम लोग बुलाया है जीतन का संतुलन बिगड़ा चेंज के बल से कंट्रोल किया है गुड्डा के खिलाड़ी ने इस बीच कप्तान दौड़ के गए हैं जर्सी नंबर 12 के रूप में जर्सी नंबर 11 लॉरेंस हजारीबाग की तरफ से राइट आउट के खिलाड़ी के मौका बनाया है उससे बॉल छीना गया है एक बार फिर से गुड्डा के कब्जे में आई है गेंद देखना दिलचस्प का प्लेस किया है गेंद को लेकिन यहाँ पर डिफेंस ने निकाल दिया है तीन नंबर के रूप में उठाया है गेंद को जर्सी नंबर अच्छा भाई ने भैया सरद शिकारी गुड्डा की तरफ से गए हैं रूबी गुरु सुंदर तरीके से उसको ड्राइव लगाकर रोक लिया इस समय हजारीबाग के गोलकीपर ने अब हजारीबाग के पहले सुपर गोल मजा थी नंबर बार चंपू है ये तो आप सभी को वहां से उठा के उतार ले जाइए आपका जिम्मेवारी क्षतिग्रस्त है तो मैं हार देता वहां नहीं बैठेगा उसके लिए मास्क लगाया गया है फिर भी आप पार करते बैठे तात्पर्य ढंग से इस समय रोक लिया है गोलकीपर ने जैसी
देखिए दूसरा सूत्र और उन्होंने भी उसी दिशा में बॉल को खेला और गोल दागने में सफल रहे। रामगढ़ ने कल अभियान शुरू किया था, ठीक उसी प्रकार आज का भी अभियान जीत के साथ शुरुआत किया है। दूसरा मुकाबला अभी हम सब के बीच में चल रहा है, प्लेटी टॉप का हजारीबाग और सरस शिकारी कोटा के बीच में, सरस शिकारी के तीसरे स्तर के रूप में। आज मजबूत इरादे के साथ डटे हुए हैं गोलकीपर हजारीबाग के, और उन्होंने मानसा को साफ कर दिया है कि मैं चट्टान के तरह एसीसी सीमेंट के तरह मैं आज दीवार बन के खड़ा रहूंगा और शिकारी नहीं करने दूंगा सरस शिकारी के गुट्टा के खिलाड़ी को। के लिए मौका इस बार भी सुंदर गोल दाग दिया है और इसी के साथ यहां विजयी शॉट खेला है लॉरेंस ने। निश्चित रूप से बढ़त बना लिया था एक तरफा प्रैक्टिस शूटआउट में हजारीबाग की टीम ने।